नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ जो निकल रही है इंडियन रेलवे से, तो इंडियन रेलवे ने आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस बल की जो वैकेंसी है वो निकाल दी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या फिजिकल होगा, मतलब बाकी संबंधित हर डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पे चलने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना। तो मित्रों, आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वैकेंसी। वैकेंसी किस जोन से कितनी निकल रही है, तो दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे और दक्षिणी मध्य रेलवे से यहाँ वैकेंसी निकल रही है। 804 टोटल वैकेंसी निकल रही है। बात कर लेते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है, 927 वैकेंसी आपको मिल रही है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे एवं दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे में यहाँ टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है 440। यहाँ महिलाओं के लिए निकल के आ रही है 712 वैकेंसी आपको मिल जाएगी। इसके बाद मित्रों, आप देख सकते हो हर जोन वाइज क्षेत्र वाइज जो वैकेंसीज का वर्गीकरण उन्होंने दिखा रखा है। यदि आप भी वैकेंसियों का इनका पूरा नाम जानना चाहते हो, जैसे उत्तरी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, तो इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ इसका फुल फॉर्म दिखा रखा है। तो आप यहाँ से देख इस विज्ञप्ति में वैकेंसी देख सकते हैं हर जोन या क्षेत्र की। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ आपको कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। कौन अप्लाई कर सकता है, भारत का नागरिक हो वो अप्लाई कर सकता है, मतलब ऑल इंडिया की वैकेंसीज निकली हुई है। आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 से लेकर 25 ईयर्स। जो छूट वगैरह है वो मैं आपको नीचे बता दूंगा कितनी आपको छूट मिल रही है इस भर्ती प्रक्रिया में। तो ये जो है कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है आपको, 10वीं पास। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें दिखा देते हैं फिजिकल संबंधित शारीरिक मापन, ठीक है, शारीरिक मापदंड आपको इसमें दिखा देते हैं। पुरुषों की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, यूआर और ओबीसी के जो पुरुष हैं उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए होनी चाहिए 157। जो जनरल और ओबीसी के जो पुरुष और जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 165 और 157 क्रमशः होनी चाहिए। और उनकी जो SC ST की बात करते हैं, तो SC ST की जो हाइट होनी चाहिए क्रमशः 160-152 सेंटीमीटर रखी गई है। आगे नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं सीने की, तो यहाँ आपका जो सीना होना चाहिए जो UR और OBC के लिए 80-85, और जो SC ST हैं उनके लिए 76.2 से 81.2 होना अनिवार्य है। और इसी के साथ गढ़वाली गोरखा ये जो दिखा रखे हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट, 155 महिलाओं के लिए जो सीना है वो सेम रखा गया है UR OBC के बराबर 80-85। और इसके बाद में हम आपको दिखा देते हैं कितनी आयु सीमा में छूट दे दी गई है, तो कम से कम जो अजा के हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उसको 5 साल की छूट दे दी जाएगी, मतलब 30 साल तक हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ अपीव की बात कर लेते हैं, जो OBC के हैं तो उनके लिए 3 साल की छूट मिल रही है, तो आपको यहाँ 25+3 आपको 28 ईयर्स तक आप वैकेंसी देख सकते हो। तो मतलब ये भर्ती देख सकते हो जिसकी उम्र 18 से लेके 28 ईयर्स के बीच है। तो ये तो हो गया इसमें आयु संबंधित, और यहाँ भूतपूर्व सैनिक और विधवाओं की उन्होंने दिखाया है कि कितनी आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो किस सन के बीच से किस सन के बीच आपका जन्म हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क का, परीक्षा शुल्क हो जाएगा आपका 500 रुपये जनरल और OBC के लिए, और उस वक्त आपको लौटा दिया जाएगा 400 रुपये वापस। ये 400 रुपये यदि आप ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेते हो तो आपके बैंक में या पोस्ट ऑफिस से आपके
का रिफंड हो जाएंगे। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये और जो महिला कैंडिडेट हैं उनको भी 250 रुपये देने पड़ रहे हैं। और जब ये आप फर्स्ट एग्ज़ाम में भाग लोगे तो ये भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ इसके बाद में हम आपको थोड़ा इसमें और इम्पोर्टेंट जानकारी दिखा देते हैं, भर्ती संबंधित फिजिकल में क्या क्या करवाएंगे। तो भर्ती प्रक्रिया है तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं 15 भाषाओं में ये पेपर होगा, 15 भाषाओं में पेपर होगा। जो लेवल आएगा वो 10वीं पास तक का जो लेवल है, मैथ है, जो भी आपको सिलेबस मिलेगा वो 10वीं पास तक मिलेगा। और इसी के साथ माइनस मार्किंग 1/3 रहेगी, माइनस मार्किंग 1/3, ठीक है, ये ध्यान रखना माइनस मार्किंग है इसमें। और आप देख सकते हैं सिलेबस, तो सिलेबस में भी यहाँ जो गणित में क्या क्या दिखा रखा है तो यहाँ देख सकते हो मित्रों, कुल अवधि 90 मिनट का ये पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान के 50 अंक, यहाँ आपको जो सामान्य ज्ञान है उसके 50 अंक मिल जाएंगे, अंक गणित के 35 अंक आपको मिल जाएंगे। अंक गणित में कौन कौन सी ये जो प्रश्नावली या अध्याय हैं जो आपको मिल जाएंगे, चैप्टर आप देख सकते हैं, संख्या, पूर्ण संख्या, दशमलव और अंशों और संख्याओं, मौलिक की, अंक गणित या परिचालन, तो आप इनको अलग से बुक में टिक कर सकते हो कि ये भाई रेलवे के सिलेबस में है। और यहाँ जो आपको GK संबंधित है वो तो कन्फर्म याद करना है। इसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस के देख सकते हो आप, 35 नंबर का यही चैप्टर आएगा, तो इसमें भी आप देख सकते हो रीजनिंग कौन कौन सी आ रही है, तो ऑल रीजनिंग आपको याद करके जाना, सीधी सी बात ये है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप देख सकते हो क्या क्या आपको करना है, तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो वैकेंसियों के 10 गुना बुलाया जाएगा, जो वैकेंसी है आपकी करो हम माने तो 10,000 वैकेंसी मान रहे हैं, और उनके 10 गुना मतलब 90,000 कैंडिडेट को इसमें पास किया जाएगा, 90,000 को ही जो PTT है उसके लिए बुलाया जाएगा। आपको दौड़ कितनी करनी होगी, 1600 मीटर करनी होगी, ठीक है, 1600 मीटर आपको दौड़ करनी होगी 5:45 मिनट में, ठीक है मित्रों। तो आप यहाँ देख सकते हैं दौड़ वाला, और दौड़ की कोई अंक नहीं है, आप यदि दौड़ पास करते हो तो आपको फिट हो आप। इसके बाद में लंबी कूद हो जाएगी आपकी 14 फिट, और ऊंचाई जो ऊंची कूद होती है वो हो जाएगी 4 फिट। और यही जो प्रक्रिया है महिलाओं के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें दौड़ सबसे हार्ड होती है, 1600 मीटर जो आर्मी की दौड़ है वो की वो दौड़ इसमें रखी गई है। तो आप इसे से यदि आपका पेपर क्लियर हो रहा है तो आप दौड़ में अभी से ही तैयारी कर लें। जो दौड़ की तैयारी का है एक ही अवसर दिया जाएगा आपको, बार बार नहीं कहा जाएगा कि आप दौड़ के आइए आप पास हो जाओगे, एक ही चांस दिया जाएगा जिस प्रकार आर्मी में दिया जाता है। और इसमें और कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट जानकारी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो मित्रों हम इसके बाद में आपको दिखा देते हैं आवेदन कब से कब तक कर सकते हो। और जैसे कोई हमें इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट और मिल जाएगा तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आप सबसे आप यहाँ देख सकते हो बाद कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने की तिथि है वो हो जाएगी 1 जून से, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 1 जून से, मतलब 1/6/2018 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी जो लास्ट डेट है 30/6/2018, मतलब 1 महीने के भीतर भीतर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सितंबर अक्टूबर में इसकी एग्जाम हो सकती है ऑनलाइन, तो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम दिखा रखी है, एग्जाम लेट हो सकती है। वेतन आपको अच्छा दिया जा रहा है, लेवल CPC होती है 3, उसके अनुसार आपको वेतन दिया जा रहा है, 21,700 पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा, ग्रेड पे अलग से होगा। तो मित्रों अच्छी वैकेंसीज निकली हुई है आरपीएफ की वैकेंसी, तो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, कभी कह रहे थे 19,000 वैकेंसी आएगी, कभी कह रहे थे 27,000 वैकेंसी आएगी, जो फाइनली हमें मिला है वो मिला है 8,000 या 9,000 के समथिंग।
तो ये थी रेलवे की लेटेस्ट अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।